इट्स टाइम फॉर दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स और दोनों ही टीम के बीच के ये मैच कितना इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स टेबल के लिए ये मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा आपको बताऊंगी सभी फैक्ट्स नंबर्स और फिगर्स रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर क्लैश। तो इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। Now let's talk about the head-to-head. दोनों ही टीम्स के बीच में अभी तक 28 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से 13 मैचेस जीते हैं दिल्ली कैपिटल्स ने और 15 मैचेस रहे हैं राजस्थान रॉयल्स के नाम। Now let's talk about the pitch report. तो ये पर्टिकुलर मुकाबला खेला जाएगा अरुण जेटली स्टेडियम में और ये जो स्टेडियम है ये रन फेस्ट के लिए मशहूर है। और इसके अलावा यहाँ के जो दिल्ली के पेसर्स हैं यानी दिल्ली कैपिटल्स के जो पेसर्स हैं उनको काफी सपोर्ट मिलने वाला है, बिकॉज उनका गेम प्ले काफी सूट करता है एज पर द पिच। सो या इट इज गोइंग टू बी हार्ड फॉर राजस्थान, बट अगर उनके बैटर्स ने मामला बराबर का कर दिया सो यू नेवर नो, मैच किधर भी जा सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से है जेक फ्रेजर मैकगर्क और ये खिलाड़ी इस आईपीएल सीजन में एक बड़ा नाम ऑलरेडी बना चुका है। लुक एट हिज नंबर्स, ऑलरेडी 6 मैचेस में 43.15 का एवरेज मेंटेन कर रहे हैं, व्हिच इज गोइंग टू बी टफ फॉर एनी बैटर टू रियली चैलेंज इट। बट दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से इन्होंने काफी कमाल की इनिंग्स खेली हैं और बहुत नाम बनाया है। सो या डेफिनेटली ही इज द प्लेयर टू वॉच आउट फॉर दिल्ली कैपिटल्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट राजस्थान रॉयल्स की तरफ से हैं रियान पराग और इस खिलाड़ी ने भी इस आईपीएल बहुत नाम बनाया है। पिछले सीजन की अगर उनकी हम परफॉर्मेंसेस को छोड़ दें, एक बहुत ही ग्रोन अप से प्लेयर बनकर के सामने आए हैं और कमाल की बातें करते हैं, कमाल का खेल दिखाते हैं और राजस्थान रॉयल्स के लिए बहुत ही बड़े बल्लेबाज बनकर के उभरे हैं इस सीजन। और जिस तरह के फिनिशर होने की बात वो पहले किया करते थे वो अब दिखाई पड़ रहा है। तो या इस मुकाबले में भी राजस्थान रॉयल्स की तरफ से प्लेयर टू वॉच आउट होंगे रियान पराग। और लेट्स टॉक अबाउट प्लेयर्स बैटल। सबसे पहली बैटल है ऋषभ पंत वर्सेस यूजी चहल। ऋषभ पंत ने यूजी चहल की 56 बॉल्स पर 81 रन बनाए हैं, तो वहीं दो बार यूजी ने इनका विकेट लिया है। नेक्स्ट प्लेयर बैटल है पृथ्वी शॉ वर्सेस ट्रेंट बोल्ट। सो पृथ्वी शॉ ने ट्रेंट बोल्ट की 28 बॉल्स पर 28 रन बनाए हैं और ट्रेंट बोल्ट ने इनका विकेट 4 बार लिया है। नेक्स्ट बैटल है संजू सैमसन वर्सेस कुलदीप यादव। संजू ने कुलदीप की 32 बॉल्स पर 39 रन बनाए हैं, तो वहीं एक बार कुलदीप ने इनका विकेट लिया है। नेक्स्ट बैटल है जॉस बटलर वर्सेस खलील अहमद। जॉस ने खलील अहमद की 38 डिलीवरीज पर 53 रन बनाए हैं और एक बार खलील ने इनका विकेट लिया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अपकमिंग माइलस्टोन। सबसे पहला माइलस्टोन है संजू सैमसन के नाम। ही रिक्वायर्स 1 6 टू गेट टू 200 सिक्सेस इन द आईपीएल। यूजी चहल रिक्वायर्स 1 मोर विकेट टू गेट टू 350 टी20 विकेट्स। यशस्वी जायसवाल रिक्वायर्स 12 रन टू गेट टू 1500 आईपीएल। डेविड वॉर्नर रिक्वायर्स 6 फोर्स टू गेट टू 454 इन द टी20s। शे होप रिक्वायर्स 11 रन टू गेट टू 2500 रन इन द टी20s। नाउ इट्स टाइम फॉर टीम वन कॉम्बिनेशन फॉर योर फैंटेसी 11। तो सबसे पहले बारी है जॉस बटलर एज विकेट कीपर, संजू सैमसन विकेट कीपर, ऋषभ पंत विकेट कीपर, जैक फ्रेजर मैकगर्क कैप्टन, क्रिस्टन स्टब्स, यशस्वी जायसवाल वाइस कैप्टन, रियान पराग, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, ट्रेंट बोल्ट और संदीप शर्मा। नाउ इट्स टाइम फॉर टीम टू कॉम्बिनेशन। जॉस बटलर, संजू सैमसन कैप्टन, ऋषभ पंत वाइस कैप्टन, जेक फ्रेजर मैकगर, क्रिस्टन स्टब्स, यशस्वी जायसवाल, रियान पराग, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, ट्रेंट बोल्ट और युजवेंद्र चहल। चलिए इसी के साथ इस वीडियो का अंत यहीं पर होता है, लेकिन डेफिनेटली अपडेट्स का अंत कहीं भी नहीं है क्योंकि क्रिक ट्रैकर की वेबसाइट है आप लोगों को वहां पर कवर करने के लिए। इसके अलावा आप हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को लाइक फॉलो सब्सक्राइब करें ताकि आपके फ्रेंड्स को भी पता चले कि ये कितना इंपॉर्टेंट चैनल और कितनी अच्छी अपडेट्स देता है जो आप मिस आउट ना करें। प्लस MSP वापस आइए क्योंकि हम लोग के पास अभी और बहुत सारे मैचेस हैं डिस्कस करने के लिए। सो डोंट मिस आउट ऑन आवर MSPs।